जब वो एनडीए में रहते हैं तो पैदल चलकर जाएंगे आदरणीय लालू जी की इफ्तार में। बड़े बड़े सपने लेकर गए थे, वो संयोजक बनेंगे तो उस गठबंधन के नेता बनेंगे तो प्रधानमंत्री पद के चेहरे बनेंगे, और हकीकत ये है कि उस गठबंधन में इन्हें पूछा तक आज की तारीख में नहीं जा रहे। और जब वो महागठबंधन में रहते हैं तो महागठबंधन के कार्यक्रमों को छोड़कर बार बार वो जाएंगे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि देने। अविश्वास इतना है मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व पर, इतना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है मेरे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के किसी भी गठबंधन में रहे ना वो गठबंधन इन पर विश्वास करता है। मौजूदा गठबंधन से ज़्यादा लाभ लेना, ये मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा। जब वो एनडीए में रहते हैं तो पैदल चलकर जाएंगे आदरणीय लालू जी की इफ्तार में ताकि एनडीए को डर दिखाया जा सके, और जब वो महागठबंधन में रहते हैं तो महागठबंधन के कार्यक्रमों को छोड़कर बार बार वो जाएंगे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि देने ताकि राजद के ऊपर दबाव बनाया जा सके। ये मेरे मुख्यमंत्री की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा है, दबाव डालकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। आज की तारीख में जिस तरीके से विपक्षी दलों के इस गठबंधन में मुख्यमंत्री की अनदेखी की जा रही है, बड़े बड़े सपने लेकर गए थे वो संयोजक बनेंगे तो उस गठबंधन के नेता बनेंगे तो प्रधानमंत्री पद के चेहरे बनेंगे, और हकीकत ये है कि उस गठबंधन में इन्हें पूछा तक आज की तारीख में नहीं जा रहे। और ये इन्हीं के ही व्यक्तित्व की वजह से, अविश्वास इतना है मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व पर, इतना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है मेरे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के किसी भी गठबंधन में रहे ना वो गठबंधन इन पर विश्वास करता है ना उस गठबंधन के नेता इन पर विश्वास करते हैं, जब प्रदेश की जनता ही इन पर विश्वास नहीं करती तो ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति इनके ऊपर विश्वास क्यों करे। और इसी कारण से ये बार बार दबाव की राजनीति का इस्तेमाल करते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में जो भी चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है वो इसका कारण ही यही है कि मुख्यमंत्री मौजूदा गठबंधन में दबाव की राजनीति का इस्तेमाल कर। और जो लोग, जो सवाल आपने पूछा कि उनका स्वागत कर रहे हैं, यकीनन स्वागत करेंगे भैया, उन्हीं के कोटे से मंत्री बने हैं तो स्वागत तो उनका करना बनता ही है उनके लिए। जेडीयू के पूर्व रणनीति रणवीर मंडल ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखा भाई? ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है। बार बार हम लोगों ने इस बात को कहा है कि एक बड़ा असंतोष जनता दल यूनाइटेड में है। भाई देखिए, नेता तो बार बार गठबंधन बदल लेता है, पर ये वो लोग हैं जो जनता के बीच जाते हैं, और जिसको चुनाव लड़ना है, भले वो MLC का हो भले वो MLA का हो, जिसको चुनाव लड़ना है भाई उसको तो जनता के बीच जाकर जवाब देना है ना। मेरे मुख्यमंत्री को तो चुनाव नहीं लड़ना। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब चुनाव लड़ा था बताएं? ना वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं ना वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, बैकडोर से वो बार बार MLC बन बन कर अपने आप को नॉमिनेट कर वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। तो इनको तो जनता के बीच जाना नहीं है, पर जिन लोगों को जनता के बीच जाना है उनको तो ये जवाब देना है ना कि भैया बार बार क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पाला बदलने का काम करते हैं, गठबंधन बदलने का काम करते हैं। तो ऐसे में हर वो नेता जिसको जनता के बीच जाना है और जिसको इस बात का डर है कि जनता उनसे सवाल पूछेगी गठबंधनों को बार बार बदलने को लेकर, हर वो व्यक्ति आने वाले दिनों में चुनाव से पहले गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर अलग होगा। किनको लेकर? भाई मुझे नहीं पता क्या कविता उन्होंने पढ़ी नहीं पढ़ी, मैंने सुनी नहीं है वो कविता, और किसको उन्होंने टारगेट किया मुझे ये भी नहीं पता। बट हाँ, जो लोग सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल में, उन्हीं की पार्टी में रह रहकर एक दूसरे के खिलाफ विवाद उत्पन्न होते रहे, ये दर्शाता है कि कम से कम महागठबंधन के घटक दलों के भीतर कम से कम सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अभी सीधा अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं,
और जिस तरीके की ये शर्मनाक घटना घटी है, जिन लोगों के पेट में सबसे ज़्यादा दर्द उठता था मणिपुर की घटना को लेकर, आज वो तमाम लोग खामोश बैठे हैं जो भारत की संसद में चीख चीख कर मणिपुर की घटना के ऊपर, और उस दिन मैंने सदन में भी इस बात को बोला था जब मणिपुर को लेकर चर्चा हो रही थी, उस दिन भी मैंने ये बात बोला था कि यकीनन मणिपुर को लेकर चिंता जाहिर करने की ज़रूरत है, पर ये चिंता हर उस राज्य में ऐसी हो रही घटनाओं को लेकर जाहिर करने की ज़रूरत है। ऐसे में मैंने बिहार का भी विशेष तौर पर वहाँ पर जिक्र किया था। वहाँ पर भले राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों या जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं किस तरीके से गला फाड़ फाड़ कर मणिपुर की घटना पर ललन जी बोल रहे थे, और आज जब उन्हीं के राज्य में उन्हीं की सरकार की नाक के नीचे ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो ये तमाम दल के नेता खामोश रहते हैं। ये सवाल पूरे तथाकथित विपक्षी दलों के गठबंधन, जो आई एंड इंडिया के नाम से इन्होंने जो एक गठबंधन बनाया है, सबसे ये सवाल उठता है कि भैया बिहार की घटना पे ये लोग खामोश क्यों हो जाते हैं? बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उस पर ये लोग खामोश रहेंगे, पर जहां पर केंद्र की कोई सरकार होगी या इंडिया की कोई सरकार होगी तो वहां पर ये लोग आवाज उठाएंगे। ये सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म, ये इनकी दोहरी नीति को दर्शाता है। जहां पे अपनी सरकार होगी राजस्थान में ये लोग खामोश हो जाएंगे, बिहार में ये लोग खामोश हो जाएंगे, पर दूसरे राज्यों में जहां पर एनडीए की सरकार होगी वहां पर ये लोग उसको मुद्दा बनाएंगे। ये दर्शाता है कि आप सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म की नीति को आप अपना रहे हैं। अपने अपराधों को छुपाना और दूसरों के ऊपर हो हल्ला मचाना, ये दोहरी नीति है। एक सवाल है, जीतन रामाझी ने कहा है कि जमुई सीट से वे चुनाव लड़ेंगे और ये पारंपरिक सीट उनका रहा है, क्या कहेंगे जीतन रामाझी? लेकिन आप वहाँ से सांसद हैं तो भाई ये बात तो गठबंधन के भीतर ना तय होगी। लगता है आपके लिए टेंशन है, कोई चुनौतियाँ होंगी अगर ऐसा कुछ होता है? एक बयान से हमारे जा रहा है नीतीश कुमार।